जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हुए आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों को आज पूरा देश नम आंखों से श्रद्धांजलि दे रहा है और हर हिंदुस्तानी के मन में इस बात को लेकर एक बदले की भावना जाग उठी है। इसी को लेकर आज लुधियाना में महिलाओं ने घर से निकलकर कैंडल मार्च निकाला और अपना रोष व्यक्त किया। जो साड़ी पाकिस्तान ने साडे शहीदां दे नाल अज कीता, वो शहीद नहीं, वो साडे दिलां विच वसदे आ और हमेशा साडे दिलां विच रहणगे। कोई शहीद दे घर अज बच्चा पैदा होया, मैनू लगता है वह माँ अज भी कहेगी कि मैं अपने बच्चे नू वड्डे होके एक जवान ही बनावांगी। और ये पाकिस्तान नू साडी ये हिदायत है कि उन्हें जे 40 साडे नौजवानां नू अज मारिया है, ये मावां असी अपने पुत अगे लिया के होर खड़ा करनगियां ताकि साडी देश दी जिहड़ी सुरक्षा है वह कायम रहे। देखिए, जिनकी माएँ घरों में बैठी हैं, जिनकी बहनें, जिनके बच्चे घरों में बैठे हैं और जवान मारे गए हैं, हम सोच भी नहीं सकते कि क्या दर्द। अगर सारे देश आज रो रहा है तो उनके घरों की आज क्या हालत होगी। जिस माँ ने अपना बेटा देश के लिए, रक्षा के लिए भेजा था, लेकिन टुकड़े टुकड़े होके आज उसकी लाश आ गई है उसके घर में, उसका आज क्या, उसका मोदी साहब आपके पास क्या जवाब है उसका? आप हमें जवाब दें। 56 इंच का सीना आपने दिखाया था, आपने वायदा किया था कि अच्छे दिन आएंगे, कहाँ है वो अच्छे दिन? आप दिखाओ हमें कहाँ है वो अच्छे दिन। देश रो रहा है, हर व्यक्ति, हर नागरिक रो रहा है। आप बताइए, आप चैन की नींद सो रहे हैं, आतंकवादियों को आप बढ़ावा दे रहे हैं, क्यों आतंकवादियों का राशन पानी वहां पे जाना बंद क्यों नहीं हो रहा? क्या कारण है, क्या कारण है? क्यों ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं कि अगर कोई आतंकवादी पत्थर मारता है तो उसके ऊपर गोली नहीं चलाई जाएगी? क्यों नहीं चलाई जाएगी? आज देश जवाब मांग रहा है आपसे।